पर अपनी हाजिर नहीं सुनना। इस्तकबाल प्यारे बच्चों, आज हम नहुम जमात का इल्म रियाजी का हिस्सा दूसरे का सबक नंबर एक के बारे हिस्सा दुआम का हमारा नाम है इल्म हिंदसे के बुनियादी तसव्वुरात। तो प्यारे बच्चों, इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात क्या होते हैं, तो हम मज़ीद इसकी मालूमात इस सबक के ज़रिए हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक शक्ल आपको दिखाई दे रही है, आप जानते होंगे ये शक्ल कौन सी शक्ल है। इस तस्वीर को देखकर आपने इसे पहचान लिया होगा कि ये जो तस्वीर है ये मिस्र के अहराम की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? अहराम की तस्वीर है। 3000 कबल मसीह में इस तरह की इमारत उस दौर के लोगों ने किस तरह से बनाई होगी, एक सवालिया निशान हमारे सामने है कि 3000 कबल मसीह, अभी हमारा हिजरी शुरू है, यानी 3000 कबल मसीह में जब ना तो कोई हमारे पास टेक्निक था कि हम टेक्निक के ज़रिए इसे हम बना सकते हैं, उस दौर में हमारे पास जानवरों के अलावा जो मज़बूत कोई शायद ही हमारे पास, तो वो जानवर थे जिसकी मदद से हम बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो भी है उसे हम उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर भी एक पैदा ही होता है कि इसे बनाते वक्त आप अगर इसे देखें गौर से तो ये दुनिया की तारीखों की अजूबों में से एक अजूबा इसे माना जाता है। तो आइए हम इल्म हिंदसा क्या है, इल्म हिंदसा हम इल्म हिंदसे से ही पूछते हैं कि बता इल्म हिंदसा तो आइए अब हम इल्म हिंदसा इस नाम से इसके इल्म की इब्तिदा समझ में आती है। तो इल्म हिंदसा यानी ज्योमेट्री। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर ज्योमेट्री लिखा, आप देख रहे होंगे जिसमें पहला जो नाम है जिसे मैंने रेड कलर से बताया हो वो है जियो, और जियो का मायने होता है ज़मीन। और अगला जो लफ्ज़ है जिसे मैंने ब्लैक से ज़ाहिर किया हो वो है मेट्री, जिसे हम इसकी तीसरी शक्लों में मेट्रोन पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है पैमाइश। अब अगर हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है ज़मीन की पैमाइश, यानी ज़मीन की पैमाइश की ज़रूरत महसूस होने से इस मज़मून की इब्तिदा हुई, ऐसा कयास है, ऐसा लोगों का ख्याल है। तो आइए इल्म हिंदसा ये सबक हम लोगों तक कौन से रियाजदान ने पहुँचाए। तो सबसे पहला नाम आता है थेलियस, ये खादिम यूनानी रियाजदा है, ये यूनान का रहने वाला एक रियाजदा है जिसने दो मुसलसों के मुतशाबा की खसूसियात की मदद से अहराम की लंबाई उसके साहे की मदद से नापी थी। अगला नाम हमारे सामने फिसागोरस, इसे सभी जानते हैं, तमाम तलबा जानते हैं, ये तमाम के तमाम हमारे गैर ममालिक के रियासतदा है। तो जिस तरह से इन्होंने इल्म हिंदसा में बढ़ोतरी की, तो उसी तरह से हमारे भारत के भी कुछ रियासतदा है जिन्हें इल्म हिंदसा का गहरा इल्म था, जिसमें हमारा पहला नाम है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य वगैरह, तमाम रियाजदा ने इस मज़मून में कीमती इजाफा किया। तो प्यारे बच्चों, इल्म हिंदसा आपकी समझ में आ गया होगा कि इल्म हिंदसा यानी क्या, ज़मीन की पैमाइश होती है। आइए मज़ पर
पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए समझ लें कि इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात में हमारा जो पहला नुक्ता है, इसमें नुक्ता खत और मस्तवी का जिक्र किया गया है। वैसे तो नुक्ता, इसकी कोई तारीफ हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसे बनाते कैसे हैं तो गौर कीजिए। किसी पेन या पेंसिल की नोकदार को जब हम कागज़ की सतह पर मस करते हैं तो उससे जो शक्ल हमें मिलती है वो नुक्ता कहलाती है। जाहिर सी बात है, हमने नुक्ता बना लिए तो इसे नाम देना तो ज़रूरी है। तो हम इसे अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से जाहिर करते हैं। किसे जाहिर करते हैं? अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नुक्ता आपको बनता हुआ दिखाई दिया, इसे मैंने अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ ए से जाहिर किया। अब हम अगले हमारे साइड हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो है ख़त। तो प्यारे बच्चों, मैंने शुरू किया नुक्ते से, अब उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ ख़त, बाद में मैं शुरू कर रहा हूँ ख़त से। तो ख़त की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है, नुकात का ऐसा से, नुकात का ऐसा सेट जो एक ही मस्तवी में वाक़ हो वो ख़त कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपने ख़त की तारीफ कुछ इस तरह से भी सुनी होगी कि नुकात का ऐसा मजमूआ, नुकात का मजमूआ ख़त कहलाता है। तो ज़रा गौर से इस शक्ल की तरफ देखिए, क्या ये ख़त है या नहीं, आप फैसला कीजिए। मैं आपके सामने कुछ नुकात बना रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए, क्या ये तमाम के तमाम नुकात ख़त है? नहीं। तो जो हमारी डेफिनेशन है ख़त का, नुकात का मजमूआ ख़त कहलाता है, ये डेफिनेशन हमारी दुरुस्त नहीं है। ख़त इस तरह से होता है जिसकी दो सिरे हमको दिखाई देते हैं, जिसे हमने नाम दिया ए और बी। ये दोनों सिमतें ला महदूद की अलामत को जाहिर करते हैं। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा ख़त की डेफिनेशन भी। अब जो लफ्ज़ मस्तवी है, तो आइए ज़रा इस मस्तवी की तरफ हम बढ़ते हैं। मस्तवी क्या होता है? देखिए, आपके मुकाबिल में एक शक्ल दिखाई दे रही है जो एक मेज़ की शक्ल है, और इसकी ऊपरी सतह को हमने चार निशानों से ज़ाहिर किया जो अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। तो प्यारे बच्चों, देखियो, गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, क्या हो सकता है अगर हम इसे चारों सिमत से अगर खींचते हैं, हर सिमत से अगर इसे खींचे तो क्या होगा? तो तमाम सिमत हमें बड़ी अपने सिमत में बढ़ते हुए दिखाई देंगी और वो वसी होती जाएंगी, आप सभी जानते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो हम मस्तवी को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि तमाम सिमतों में ला महदूद होने वाली, तमाम सिमतों में ला महदूद होने वाली हमवार सतह को मस्तवी कहते हैं। यानी जिस सिमत में अगर हम मस्तवी की कोई जानिब को अगर खींचते हैं तो वो अपनी सिमत में ही बढ़ेंगी, ना कि दूसरी सिमतों में। बात समझ में आ गई? तो ख़त में जो लफ्ज़ मस्तवी इस्तेमाल किया गया है, ये इसी बात को ज़ाहिर करता है कि अगर नुक्ता ए है और अगर वो बी की तरफ बढ़ता है तो बी की तरफ ही सीधा सीधा बढ़ेगा, ना कि जिस तरह से हमने जो दूसरी शक्ल हमको आपको सामने दिखाई दे रही है उस तरह से हमारी ख़त की डेफिनेशन हम जाहिर नहीं कर सकते। इस सबक का पहला नुक्ता जो है नुक्तों के मुहद्दिद और फासला, इसके बारे में आपको तो अच्छी तरह से पता है कि नुक्ता क्या होता है। इस हेडिंग में हमको तीन नाम दिखाई दे रहे हैं, पहला नुक्ता, दूसरा मुहद्दिद और तीसरा फासला। तो नुक्ते से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं, पिछली स्लाइड में आपने नुक्ता देखा। अब मुहद्दिद और फासला क्या होता है, ज़रा हम इसे भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़िल में एक अददी ख़त आपको दिखाई देगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अददी ख़त पर जो नंबर ज़ाहिर करते हैं वो हमारे सही अदद होते हैं। तो आप शक्लों में गौर से देखिए, नीचे की सिमत में हिंदी से दिखाई दे रहे हैं
और ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ हमने नाम इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर नुक्ता और महद्दी, अगर पिछली स्लाइड किसी की समझ में आ गई होंगी तो यहाँ पर वो बच्चा बआसानी समझ सकता है कि नुक्ता यानी क्या। तो आइए ज़रा हम इसे समझते हैं। यहाँ पर नुक्ता डी जो है वो एक को जाहिर करता है। देख सुनिए गौर से, नुक्ता डी एक को जाहिर करता है। तो यहाँ पर दो नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नुक्ता और महद्दीद। तो नुक्ता तो आपको पता चल गया, नुक्ता यानी अंग्रेज़ी के तमाम अल्फ़ाबेट, और महद्दीद यानी वो अल्फ़ाबेट जिस नुक्ते को जाहिर कर रहे हैं वो उसके महद्दीद होंगी। तो यहाँ पर हम यहाँ कह सकते हैं कि अदद एक को नुक्ता डी का महद्दीद कहते हैं। तो प्यारे तुलबा, आपकी समझ में आ गया होगा नुक्ता और महद्दीद क्या होता है। आइए और मज़ीद देखते हैं हम इसमें। अगला नुक्ता हमने बी इस्तेमाल किए, जो अदद खत पर नफी तीन को जाहिर करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बी का महद्दीद नफी तीन है। इसी तरह से हमारे पास ए का महद्दीद नफी पाँच और ई का महद्दीद नफी तीन है। तो प्यारे बच्चों, नुक्ता और महद्दीद, नुक्ता अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर होता है और महद्दीद हमारे हिंदी से अदद होती है। यहाँ पर हमने दो बातें ज़ाहिर नशीन कर लिए। अब आइए अब हम फासले की तरफ आते हैं, इसे हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। फासला, अब हम नुक्ता बी और नुक्ता ए का दरमियानी फासला कितना है ये हम मालूम करेंगे। तो प्यारे तुलबा, आप जानते हैं कि नुक्ता बी का जो महद्दीद है वो नफ़ी तीन और नुक्ता ए का महद्दीद नफ़ी पाँच है, हमको ज़ाहिरी सूरत में दिखाई दे रहा है। अब हमें इनका दरमियानी फासला मालूम करना है, तो दरमियानी फासला मालूम करने के लिए हम डी यानी दरमियानियत डी ऑफ ए बी बराबर। लेकिन इससे पहले हम जब किसी दो नुकात के दरमियान में अगर फासला मालूम करना है तो सबसे पहले हम बड़ा अदद पहले लिखते हैं और उसमें से छोटे अदद को माइनस करते हैं। तो नफ़ी तीन और नफ़ी पाँच में बड़ा अदद कौन सा है? नफ़ी तीन है। नफ़ी तीन बड़ा अदद है नफ़ी पाँच से, इसलिए हम नफ़ी तीन को पहले लिखेंगे और नफ़ी पाँच को बाद में। आइए मज़ीद अलामतों का बुनियादी अमल आपको आता है, नफ़ी तीन जैसा है वैसे रहेगा और नफ़ी नफ़ी जमा होकर जमा का पाँच हो जाएगा। अब आपके पास दो मुख्तलिफ अलामतें दिखाई दे रही है, तो मुख्तलिफ अलामत में आपको पता है कि नफ़ी का अमल होता है, इसलिए हम पाँच में से तीन गए बचा दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इन दो नुकात के दरमियान में दो इकाई का फासला मौजूद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अगले नुकात को लेकर आएंगे और इस सबक को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे।